नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रेगनेंसी में तरह तरह के बदलाव आते रहते हैं। फिर चाहे वो प्रेगनेंसी में आपके शरीर के साथ हो, दिमाग के साथ हो या बेबी के साथ हो, आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था में बच्चे की हलचल यानी मूवमेंट कब चालू हो जाती है और बच्चा कब या किस हफ्ते किस महीने किक करना शुरू कर देता है, हिलना डुलना शुरू कर देता है और हर महीने में आपको क्या हलचल, किस प्रकार की हलचल या मूवमेंट्स महसूस होती हैं। वैसे तो यदि देखा जाए बच्चा मूवमेंट करना या हिलना डुलना प्रेगनेंसी का दूसरा महीना आते आते शुरू कर देता है, यानी कि 7वें 8वें सप्ताह तक, लेकिन आपको महसूस नहीं होता क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो बच्चे की हलचल या मूवमेंट्स लगभग 16 सप्ताह से लेकर 22 सप्ताह के बीच में महसूस होने लगती है बिल्कुल अच्छी तरह से, यानी कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बाद। कभी भी आप मान सकते हैं कि चौथे महीने से लेकर के 5 साढ़े 5 महीने के बीच में आपको बच्चा मूवमेंट करता हुआ महसूस होने लगता है। अब कुछ बातें और भी निर्भर करती हैं, बच्चा कैसे हलचल आपको महसूस करवाता है इसके पीछे, जैसे कि जिन माताओं का BMI ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा जिनके चर्बी है, या जो माताएं मोटी हैं उनको कम महसूस होती हैं उनकी अपेक्षा, जो महिलाएं पतली हैं या जिनके बॉडी का जो वेट है वो कम है। प्रश्न आता है बच्चे की हलचल होती कैसी है, तो झटके की तरह महसूस हो सकती है, बेबी अंदर घूम रहा हो ऐसी महसूस हो सकती है। कुछ महिलाएं कहती हैं कि पॉपकॉर्न जैसे फूटते हैं वैसा एहसास उनको अंदर से होता है, तितलियां फड़फड़ाने जैसा पेट फड़क रहा हो ऐसा महसूस होता है। कुछ महिलाओं को पेट में हलचल गैस बनने जैसी, जैसे गैस पेट में बनती हो वैसा महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बीतती जाती है वैसे वैसे बच्चे की हलचल तेज होने से आपको पता चल जाता है कि ये हलचल वास्तव में किस कारण से हो रही है, और तीसरी तिमाही में आते आते आप इन हलचलों को अनदेखा नहीं कर पाएंगे क्योंकि नियमित तौर पर तेज हलचल होती है। जैसा कि हमने आपको बताया, चौथे पांचवें महीने के बीच में आपको हलचल होनी, महसूस होनी अच्छी तरह से पता चलने लगती हैं। तो अब हम जानते हैं किस महीने में आपको कैसी हलचल दिखाई देती है। तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा आपने देखा होगा कि जब प्रेगनेंसी चौथे से पांचवें महीने के बीच की होती है तब महिला को पेट के अंदर कुछ फड़कने जैसी हलचल महसूस होती है, हल्की होती है, ज़्यादा तेज नहीं होती, ऐसा आपको एहसास होता है, गतिविधि पेट में हो रही है। और ऐसी हलचलें ज़्यादा तेज नहीं होती क्योंकि अभी प्रेगनेंसी का चौथा और पांचवा महीने के बीच का समय है, तो आपको हल्की हल्की पॉपिंग साउंड जैसी हलचल होती है, जैसे पेट में बुलबुले फूट रहे हों। और इसके अलावा आप जब चुप बैठे हों, आराम कर रहे हों, तब आपको इन हलचलों का महसूस होता है या ये हलचलें महसूस होती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पांचवा और छठा महीने के बीच का समय आता है, तो बच्चे का हिलना डुलना काफ़ी तेज पहले से हो जाता है और आपको साफ साफ महसूस होने लगता है बच्चा किक कर रहा है और उथल पुथल मचा रहा है पेट के अंदर। तो कुल मिलाकर बच्चे का हिलना डुलना बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, और ख़ासकर जब आप आराम कर रहे हों तब आपको बहुत ज़्यादा हलचलों का पता लगता है, मूवमेंट बहुत अधिक होती है और थोड़ी ज़्यादा तेज होती है। अब जैसे ही प्रेगनेंसी का छठा और 7वें महीने के बीच का जो समय होता है, इसमें आपके बच्चे को मूवमेंट करने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाती है जिसके कारण वो अच्छी तरह से हलचल करता है, बहुत तेज करता है, और ऐसी जो हरकतें हैं आपको चुभन भरी महसूस होती हैं पेट के अंदर। और बच्चा ऐसे में यदि हिचकी वगैरह लेता है तो उसके झटके आपको आसानी से महसूस होने लगते हैं।
अब 7वें और 8वें महीने के बीच का जो समय होता है उसमें बच्चा तेज हरकत करता है, लेकिन कंपकपी की तरह ये हलचलें आपको महसूस होती हैं। आपको ज़्यादातर पसलियों के नीचे, पेट के मध्य में, किनारे में या पेट के नीचे की तरफ किक महसूस ज़्यादा होती है। हलचल चाहे कितनी भी तेज हो या आपको चिंता हो तो यह नॉर्मल होता है। आपका शरीर खुद ही इतना पावरफुल है, हर चीज़ के लिए वो पहले से ही अपने आप को तैयार रखता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आपको असामान्य लक्षण ना दिखाई दे। प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के बीच का जो समय होता है उसके अंदर आपको बच्चे की हलचल महसूस कम होती है, क्योंकि बच्चे का आकार बड़ा हो जाता है, उसे हिलने डुलने के लिए जगह कम रहती है या मिलती है, तो ऐसे में आपको धीमी हलचलें महसूस होती हैं, लेकिन अधिक लंबे समय तक मूवमेंट्स बनी रहती हैं। 9वां महीना जब शुरू होता है तो आपको बहुत असहजता होती है बच्चे के हलचल करने से, दर्द युक्त हलचलें बच्चा करता है, तो ऐसे में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर से आप कंटिन्यूअस नियमित रूप से संपर्क में रहें। अब बात आती है बच्चे की हलचल सबसे ज़्यादा कब महसूस होती है, तो आमतौर पर जब माताएं शांत होती हैं, आराम कर रही होती हैं, तब उनको ज़्यादा महसूस होती हैं। इसके अलावा आपको पता भी है कि दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में की शुरुआत में हलचल सबसे ज़्यादा रहती है बच्चे की। दोस्तों बहनों, कम किक करना, बच्चे का कम हलचल करना समस्या की बात होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा हो। लेकिन आपको हर तरह से, प्रेगनेंसी ऐसा समय होता है और आजकल का खान पान ऐसा हो गया है कि आपको नियमित तौर पर डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवाते रहना चाहिए, और कुछ भी असामान्य लक्षण आपको दिखाई दे, जैसे बच्चा हलचल लंबे समय से नहीं कर रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क करें। खुद किसी प्रकार की दवा ना लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी छोटी सी गलती आपको आगे भुगतनी पड़ सकती है। बस आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें और किसी भी जानकारी या वीडियो के ऊपर भरोसा ना करें, जांच करवाएं तभी इलाज लें, अन्यथा अपनी तरफ से आप ये ना सोचें कि आप सही हैं या गलत हैं, खुद एक नतीजे पर ना पहुंचे, डॉक्टर से जांच करवाएं, यही समझदारी होगी। और हमारा मिशन या हमारा इतना ही प्रयास है कि आपको जागरूक रखने की कोशिश करें, ताकि उन माताओं बहनों को यह जानकारी हो सके कि क्या उनके लिए सही है, क्या नॉर्मल है, क्या नहीं। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई हो। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।